देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबर में रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गोरखपुर से लखनऊ आ रही हैदरगढ़ डिपो की रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर, बस में सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल। विवेक तिवारी हत्या के आरोप में जेल में बंद बर्खास्त सिपाही के समर्थन में विरोध करने का सिलसिला नहीं थम रहा। लखनऊ में पुलिस ने नई गाड़ियों को चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल की मिली भगत से हो रहा अवैध निर्माण। नसीबाबाद, बिजनौर समेत आसपास के जिलों में हुई तेज बारिश और तूफान से धान की फसलों को पहुंचा नुकसान। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर से लखनऊ आ रही हैदरगढ़ डिपो की रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें रोडवेज बस ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कि रोडवेज बस और ट्रक में विभूति खंड थाना क्षेत्र के कामता के पास देर रात भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें रोडवेज बस ड्राइवर की हालत गंभीर देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया और वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। दरअसल ये पूरा मामला विभूतिगंज थाना क्षेत्र के फैजाबाद रोड स्थित कामता के पास का है, जहां गोरखपुर की ओर से लखनऊ को आ रही रोडवेज बस आगे चल रही ट्रक में जा घुसी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। जैसे ही बस और ट्रक में टक्कर हुई, अंदर बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। रोडवेज बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 12 लोगों में से 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस ड्राइवर हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने KGMU के ट्रामा सेंटर रेफर किया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत मौके से ही फरार हो गया। वहीं बस में सवार यात्रियों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर ने बस को ओवरटेक किया, उसके बाद ट्रक को स्लो कर दिया, जिससे बस पीछे से ट्रक में भिड़ गई। आगे से ट्रक आएगा तो उसने अकस्मात ब्रेक ले ली, उसे कानपुर रोड जाने था तो उसमें गाड़ी पीछे फंस गई। और कितने लोग थे लगभग बस में? और 12 लोग थे सर, 10 यात्री, 2 स्टाफ। गोरखपुर से लखनऊ आ रहे थे। साथ ही बताया कि गोरखपुर से लखनऊ बस आ रही थी, जिसमें 10 यात्री ड्राइवर और कंडक्टर थे, जिसमें ड्राइवर समेत 8 यात्री घायल हो गए। विवेक तिवारी हत्या के आरोप में जेल में बंद बर्खास्त सिपाही के समर्थन में पुलिस और कर्मियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध करने का सिलसिला नहीं थम रहा। 5 अक्टूबर को विरोध कर रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और इन सब कवायदों के बाद भी पुलिस कर्मियों ने अपने तय एजेंडे के तहत आज भी काली पट्टी बांधकर आरोपी प्रशांत चौधरी के समर्थन में लामबंद नजर आए। विवेक तिवारी हत्या के आरोप में जेल में बंद बर्खास्त सिपाही के समर्थन में पुलिस कर्मियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध करने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। 5 अक्टूबर को विरोध कर रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। साथ ही पुलिस कर्मियों के विरोध को शांत करने के लिए DGP ओम प्रकाश सिंह ने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल पर प्रोन्नति दी थी। इन सब कवायदों के बाद भी पुलिस कर्मियों ने अपने तय एजेंडे के तहत आज भी काली पट्टी बांधकर आरोपी प्रशांत चौधरी के समर्थन में लामबद्ध हुए। हालांकि विरोध कर रहे पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई के डर से अपना चेहरा छिपाकर फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों से चेहरा छिपे हुए पुलिस कर्मियों की काली पट्टी बांधी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल हो रही इन फोटो के बारे में सूबे के पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नई गाड़ियों को चुराने का काम कर रहा था।
देखिए पूरी रिपोर्ट। लखनऊ की शहादतगंज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नई गाड़ियों को चुराने का काम कर रहे थे, जिसमें आरोपियों के खिलाफ चिन्हट में ट्रक चोरी का मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर शहादतगंज पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर टेम्पल रोड स्थित चौकी सिमराही मोड़ के एग्जाम स्कूल के पास से 5 लोगों को एक ट्रक के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ ट्रक और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पकड़ी गए आरोपियों की पहचान विजय प्रताप मिश्रा पुत्र स्वर्गीय लाला बिहारी मिश्रा चिन्हट निवासी मूल रूप से प्रतापगढ़ का निवासी है, मूलचंद पुत्र शिव प्रसाद निवासी बलसिंह इटौंजा, जसवंत पुत्र सतगुरु प्रसाद, रविंद्र पुत्र राम सेवक, अवधेश कुमार पुत्र राम समुष बाराबंकी निवासी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ इसमें पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आरोपी जसवंत के खिलाफ अपहरण कर हत्या का मुकदमा में दर्ज है, जिसमें आरोपी जसवंत जेल भी जा चुका है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। न्यायालय के स्थगन के आदेश के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल के मिली भगत से गांव के कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। गाटा संख्या 1265 जूनियर हाई स्कूल सार्वजनिक देवस्थान के लिए आवंटित की गई, जिसके चलते 26 सितंबर को मुख्य राजस्व न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक वैसे ही यथास्थिति बनी रहेगी। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से गांव के कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाटा संख्या 1265 जूनियर हाई स्कूल सार्वजनिक देवस्थान के लिए आवंटित की गई, जिसके चलते 26 सितंबर को मुख्य राजस्व न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक वैसे ही यथास्थिति बनी रहे, जिसके संबंध में न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज तक सूचना दी गई, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश फैजाबाद मिल्कीपुर तहसील के ग्राम सभा देवरिया का शिकायतकर्ता भोला यादव का आरोप है कि क्षेत्रीय हल्का लेखपाल और प्रधान की मिली भगत से गांव की बंजर जमीन जो जूनियर हाई स्कूल और सार्वजनिक देवस्थान के लिए आवंटित की गई थी, उस बंजर जमीन को हल्का लेखपाल दिनेश कुमार ने अपने मन मुताबिक अवैध रूप से गांव के 26 लोगों को अवैध रूप से दे दी थी, जिसके चलते गांव वालों में शासन और प्रशासन के प्रति नाराजगी और गुस्सा देखा गया। गांव के कई लोगों ने न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। के बावजूद वहाँ पर काम चल रहा है, सीआरओ साहब के आदेश के अनुसार फिर भी यहाँ काम नहीं रुका। लेखपाल और प्रधान की मिली भगत होने के कारण अब भी काम चल रहा है। उनसे पूछने के बावजूद बताते हैं प्रधान और लेखपाल ने कही है जाओ काम करें, इसके बाद प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। यहाँ चौकी पे जाते हैं तो वो भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, डीएम एसडीएम के पास गए हैं वो भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। बंजर जमीन है ये और स्कूल भी है यहाँ पर और स्टे भी हुआ है सीआरओ के यहाँ से और होलिका दहन भी होता है और प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से यहाँ पे अवैध निर्माण कराया जा रहा है, पट्टा दे दिए हैं और हम समस्त ग्रामवासी इसको चाहते हैं कि स्कूल के नाम से अगर नहीं छूटेगी तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास भी करेंगे। मीडिया से मुखातिब गांव के लोगों ने बताया कि अगर न्यायालय के स्थगन आदेश का अनुपालन विभाग के संबंधित अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी नहीं कराते हैं तो हम आत्मदाह करेंगे। नजीबाबाद जिला और बिजनौर समेत आसपास के जिलों में अचानक से हुई तेज बारिश और तूफान से जहां धान की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ तो वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। जिले के कई क्षेत्रों में ओले के साथ बारिश और तेज हवाओं ने रास्ते पर चल रहे राहगीरों को भी रुकने को मजबूर कर दिया। इस तेज बारिश से बिजनौर दिल्ली मार्ग पर एक दुक्का ही बड़े वाहन नजर आए। नजीबाबाद जिला बिजनौर समेत अन्य आसपास के जिलों में अचानक से हुई तेज बारिश और तूफान से जहां धान की फसलों को नुकसान पहुंचा वहीं इस बारिश से किसान के चेहरे पर मायूसी छा गई। जिले के कई क्षेत्रों में ओले के साथ बारिश और तेज हवाओं
ने रास्ते पर चल रहे राहगीरों को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। इस तेज बारिश से बिजनौर दिल्ली मार्ग पर एक दुख का ही बड़े वाहन चलते नजर आए। इस तूफान से किसानों की फसल धान को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। नजीबाबाद में अचानक से काले बादलों ने दिन के उजाले को पूरी तरह से ढक लिया। तेज बारिश और तेज हवाओं ने राहगीरों को रोकने के लिए विवश कर दिया। इस बारिश के साथ ओले के बड़े पत्थर भी गिरे। अचानक इस तूफान ने लोगों को ठंड का एहसास भी दिला दिया। शहर की सड़कों पर तेज बारिश की वजह से कई जगह जलभराव भी देखने को मिला। इस बारिश से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सत्तार अहमद की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।